हापुड़ के पास के गांव नांद में निर्माणाधीन शमशान घाट में ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया, जिन्होंने मांग की है कि संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दे और घटिया निर्माण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करे। ग्रामीणों ने कहा कि शमशान घाट के निर्माण के लिए 35 लाख रुपए से ज्यादा का बजट सैंक्शन हुआ है, ऐसे में ठेकेदार पैसे के लालच में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। दो सूत का सरिया लगा रहा है, शमशानों में, लेंटर में और केवल दो सूत के सरिया लगा हुआ है इसमें। और जो बीम है 20 फुट लंबाई है, उसमें मतलब चारों तरफ सरिया लगाया का, चार सूत का, और बीम भर रहे हैं। तीन तीन सरिया लगाया उसके चारों तरफ, चारों तरफ चार सरिया लगाया गया। तुम्हारों के लिए कितना पैसा आ चुका है इसमें? मैं 36 लाख कुछ रुपए है, 36 लाख के करीब। ये नुई मुड़ रही है, नुई मुड़गी तो ये लैंडर को कैसे मिल पाएगा? तो आपका क्या कहना है? ये कहना है बंद करके जिसमें मतलब माल लगे, बढ़िया माल लगे, उसमें क्या है? वकील साहब आपका क्या कहना है? इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ये कुछ कर रहे हैं तो इसमें ये घटिया माल लगा रहे हैं। घटिया माल लगा रहे हैं बिल्कुल, सीमेंट और थर्ड क्लास का लगा रखा है दड़े बंदे में उसमें। आपका क्या कहना है? इसका जो समाधान हो जाना चाहिए, लेंटर जो है ठीक होना चाहिए। तो यहाँ में ये घटिया माल लगा रहे हैं और सरिया मजबूत नहीं लगा रहे हैं। बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव नान में शमशान घाट का निर्माण हो रहा है। गुरुवार को ग्रामीण शमशान घाट पर पहुंचे और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने इस दौरान निर्माण कार्य रुकवा दिया। उनकी मांग है कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जाए जिससे कोई अनहोनी ना हो। इस दौरान ग्रामीण महेश शर्मा, सोनू शर्मा, मूलचंद, जयपाल राणा, रिंकू शर्मा, कमल पवार आदि ने प्रदर्शन किया।